बात बिजनौर की करते हैं, जहां पर गाड़ी चालक की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। गाड़ी में बैठी सवारियों की जिंदगी बाल बाल बची। जी हां, उफनती लहरों में आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं इसमें सवारियां बैठी हुई थी, जिन्हें रेस्क्यू करके नदी से बाहर निकाल लिया गया। दरअसल यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर आईडी कार्ड दिखाकर ही गाड़ियों को प्रवेश मिल रहा है। इससे बचने के लिए इस गाड़ी चालक ने गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ दी। ये हरिद्वार से सवारियां नजीबाबाद ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में नदी में अचानक पानी बढ़ गया और गाड़ी फंस गई, जिससे यात्रियों में चीख पुकार मच गई। उन्हें बामुश्किल नदी से बाहर निकाला गया। ये तस्वीरें और लापरवाही कैसे जान पर भारी पड़ सकती है उसकी ये तस्वीरें हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर ये आप देख रहे हैं। ड्राइवर की जानलेवा लापरवाही और ऐसे में लोगों की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ गई। हालांकि ये राहत की खबर है कि कोई नुकसान जो है यहाँ पर किसी की जान का नहीं हुआ है, लेकिन हादसा किस तरीके से बड़ा हो सकता था वो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। आपको बता दें, क्योंकि बॉर्डर के जरिए आने पर आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उससे बचने के लिए यहाँ पर दूसरा रास्ता अपनाया गया, जंगल के रास्ते। यहाँ पर ड्राइवर ने रूट बदला और उस बीच नदी जब क्रॉस करने की कोशिश की तो गाड़ी पलटी और लोगों की चीख पुकार वहां पर मच गई, क्योंकि गाड़ी फंस गई थी। बॉर्डर पर पास की चेकिंग हो रही है, बिना पास के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उससे बचने के लिए जो है कुछ मैक्स चालक क्या कर रहे हैं कि ये दूसरे रास्ते से नदी के बीच में से जो है अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं। नदी के बीच में पहुंची कोटावाली के, तभी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया और तेज़ बहाव आने की वजह से जो है उसमें वो मैक्स फंस गई और उसके अंदर दर्जन भर सवारियां थी, जिसमें चीख पुकार मच गई और किसी ने जो है तभी मंडावली पुलिस को फ़ोन किया। सभी सवारियों को रेस्क्यू कर उनको सकुशल बाहर निकाला गया। हालांकि जो है ये एक बहुत बड़ी वाहन चालकों की लापरवाही है। और वसीम अख्तर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, तस्वीरें क्या है, किस तरीके से गाड़ी फंसी हुई थी वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले बताएगा सभी लोग सुरक्षित हैं यहाँ पर अभी जो इसमें सवार थे, और कितने लोग सवार थे इसमें? करीब टाटा मैक्स गाड़ी है, क्योंकि ये डगमार गाड़ी है, तो इसमें 10 से 12 के बीच सवारी थी और इसमें जितने भी थे वो पानी में, मतलब गाड़ी नदी के वो नदी पार कर रही थी, उसमें पानी आ गया और बहुत तेजी से उसमें फंस गई थी। तो उसमें से बहुत मुश्किल लोगों ने जो तैर कर या और किसी तरीके से लोगों ने जो वहाँ मौजूद थे वहां पर उन्हें बचाया गया और बाकी अब उनकी हालत ठीक है। और फिलहाल इस घटना के बारे में यही कहा जा सकता है कि लोग ये टक्का मार वाहनों पर ये अपनी चेकिंग से बचने के लिए जंगल के रास्ते जा रहे थे, जिससे ये घटना हुई।